A next topic we discuss today, that is the chapter of life process. The topic is human circulatory system. In the last lecture, we discussed the construction part of human circulatory system and the various organs of human circulatory system. Various organs of human circulatory systems are like heart, arteries, veins and capillaries. लास्ट टाइम जब हमने डिस्कस किया था ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, तब हमने उसको डिटेल में नहीं पढ़ा था. आर्टरीज़ को डिटेल्स में नहीं पढ़ा था, वेन्स को डिटेल्स में नहीं पढ़ा था, हार्ट को डिटेल्स में नहीं पढ़ा था, और कैपिलरीज़ को भी हमने डिटेल में नहीं पढ़ा था. लेकिन अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि आर्टरीज़, वेन्स, कैपिलरीज़ और हार्ट ये कैसे वर्क करते हैं. फर्स्ट हम पढ़ेंगे आर्टरीज़ के बारे में. आर्टरीज़, वेन्स एंड कैपिलरीज़, they are the kind of thin pipes, tubes through which blood flows in the body. Arteries, veins, capillaries क्या होती हैं? Tubes होती हैं, thin pipes होती हैं, जिसमें से blood flow करता है throughout the body. Arteries, veins and capillaries को हम क्या बोलते हैं? Blood vessels बोलते हैं. उसका कारण क्या है? क्योंकि blood जो है flow करता है arteries, veins, capillaries जो कि thin pipes होती हैं. आर्टरीज़ जो होती हैं वो थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड को कैरी करती हैं फ्रॉम द हार्ट टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में उसको पहुंचाते हैं. आर्टरीज़ क्या होती हैं? थिक ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड को कैरी करती हैं फ्रॉम द हार्ट और उसको ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहुँचाते हैं. आर्टरीज़ की जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं. उसका कारण क्या होता है? बिकॉज ब्लड एमर्जेस फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर. क्योंकि ब्लड जो ब्लड कैरी होता है हार्ट से तो वो हाई प्रेशर पे कैरी होता है, इसलिए उसकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं. आर्टरीज़ आर फाउंड इन द होल ऑफ आवर बॉडी. आर्टरीज़ जो हमारी बॉडी में हर जगह पाई जाती है. मेन आर्टरी इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट थ्रू ए वॉल्व V3. मेन आर्टरी इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट थ्रू ए वॉल्व V3. अब हमें इस फिगर में देखेंगे कि मेन आर्टरी लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड होती है, दैट इज़ V3. अब आप ये डायग्राम देख रहे हैं. इस डायग्राम में देखिए क्या दिखाया है. जो मेन आर्टरी है, दिस इज़ द मेन आर्टरी, दिस इज़ द मेन आर्टरी इज़ कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल द वॉल्व V3. ये जो मेन आर्टरी है ये कनेक्टेड है इस लेफ्ट वेंट्रिकल से, और जो वॉल्व है वो कौन से किसके साथ कनेक्टेड है? V3 से. जो मेन आर्टरी हमने देखी है उसका काम क्या होता है? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है. जो मेन आर्टरी होती है जो लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ कनेक्टेड है वॉल्व V3 से, वहाँ से क्या आता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होता है मेन आर्टरी से फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, तो वो पूरे हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वहाँ पर जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट द लंग्स. लंग्स में नहीं जाता, लंग्स को छोड़कर बाकी सभी पार्ट्स में जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है जाता है थ्रू द मेन आर्टरी टू द फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल. अनदर आर्टरी कॉल्ड पल्मोनेटरी आर्टरी इज कनेक्टेड टू द राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट थ्रू द अनदर वॉल V4. जो एक और आर्टरी होती है पल्मोनेटरी आर्टरी, पल्मोनेरी आर्टरी, दैट इज़ वो कनेक्टेड होती है राइट वेंट्रिकल के साथ ऑफ द हार्ट थ्रू अनदर वॉल V4, और वो कैरी करती है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स. ये जो मेन आर्टरी है ये कनेक्टेड है लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ, वॉल्व V3 के साथ कनेक्टेड है, और यहाँ से जो ऑक्सीजनेट ब्लड एंटर होता है फ्रॉम द हार्ट वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो एंटर होता है वो बॉडी के हर पार्ट्स में जाता है लंग्स को छोड़ के. एक हमारे पास होती है पल्मोनेरी आर्टरी, और ये कनेक्टेड होती है राइट वेंट्रिकल के साथ, और यहाँ से क्या होता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और ये जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है फ्रॉम द हार्ट वो लंग्स पे जाता है, लंग्स में जाता है और बाकी पार्ट्स में नहीं जाता. ये जो मेन आर्टरी है लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ कनेक्टेड है, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लंग्स को छोड़ के सभी पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाता है. लेकिन जो पल्मोनेरी आर्टरी है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कैरी करती है वो लंग्स में जाती है और बाकी पार्ट्स ऑफ द बॉडी में नहीं जाती. तो ये हमने पढ़ा है आर्टरीज़ के बारे में. अब हम पढ़ेंगे कैपिलरीज़ के बारे में.
कैपिलरीज क्या होती हैं, थिन वॉल्ड एंड एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स होती हैं, जो इसकी ट्यूब्स होती हैं वो इनकी जो चौड़ाई होती है बहुत कम होती है, और ब्लड वेसल्स इसको हम बोलते हैं विच कनेक्ट आर्टरीज टू वीन्स। ये जो कैपिलरीज होती हैं ये आर्टरीज को वीन्स के साथ कनेक्ट करती है। कैपिलरीज जो होती हैं वो आर्टरीज और वीन्स के इन बिटवीन होती है, ठीक है। ब्लड फ्रॉम आर्टरीज एंटर्स द कैपिलरीज इनटू द बॉडी, जो आर्टरीज से ब्लड एंटर होता है फ्रॉम द हार्ट वो एंटर होता है कैपिलरीज में जाता है। फिर एवरी लिविंग सेल्स ऑफ अ बॉडी इज क्लोज टू कैपिलरी, जितने भी हमारी बॉडी के लिविंग सेल्स होते हैं वो किसके क्लोज होते हैं, कैपिलरी के। जो वॉल्स होती हैं कैपिलरीज की दे आर ओनली वन सेल थिक, इसकी जो वॉल्स होती हैं वो क्या होती हैं, थिक होती हैं। वेरियस डिजोल्व्ड सब्सटेंसेस लाइक ऑक्सीजन फूड एक्सेट्रा प्रेजेंट इन द ब्लड, जो आर्टरीज से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो कैपिलरीज से जाता है, और उस कैपिलरीज में जो ब्लड जा रहा है उस ब्लड में कौन से सब्सटेंस होते हैं, डिजोल्व सब्सटेंस होते हैं ऑक्सीजन एंड फूड एक्सेट्रा, और वो पास होते हैं बॉडी सेल्स में जाते हैं थ्रू द थिन वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज, क्योंकि हर कैपिलरीज में क्या होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं, वो क्लोज होते हैं कैपिलरीज के। जितना भी डिजोल्व सब्सटेंस होता है ऑक्सीजन फूड वो कहाँ पे मिक्स हो जाता है, सेल्स में जाके। एट द सेम टाइम जो वेस्ट सब्सटेंसेज होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड इन द सेल्स एंटर इन टू द कैपिलरीज, जैसे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें वेस्ट सब्सटेंसेज होते हैं वो भी क्या होते हैं, सेल्स में जाके मिक्स हो जाते हैं जब वो कैपिलरीज में एंटर होते हैं। ये जो एक्सचेंज हो रहा है वेरियस मटेरियल्स लाइक ऑक्सीजन फूड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी सेल ये हो रहा है थ्रू कैपिलरीज। अदर एंड होता है कैपिलरीज का, इट इज़ ज्वाइंट टू सम वाइडर ट्यूब्स कॉल्ड वीन्स, जो इसका एंड वाला ज्वाइंट होता है वो किसके साथ कनेक्टेड होता है, वीन्स के साथ कनेक्टेड होता है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डर्टी ब्लड होता है वो कैपिलरीज से कहाँ से एंटर होता है, वीन्स में। वो कैपिलरीज से किस में एंटर होता है, वीन्स में। अब जैसे हम ये डायग्राम देख रहे हैं, ये जो आर्टरीज हैं ये कनेक्टेड है, ये इन बिटवीन आर्टरीज और वीन्स के बीच क्या है, कैपिलरीज है, और जो आर्टरीज में से क्या आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर हो रहा है, और इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या है, फूड एंड ऑक्सीजन डिजोल्व सब्सटेंसेस हैं जो किस में मिक्स होती हैं, सेल्स में जाके मिक्स होते हैं, जो सेल्स कैपिलरीज के बेहद क्लोज होती है, और वहाँ से जो वेस्ट सब्सटेंसेस निकलता है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड जैसे वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं वो कहाँ से बाहर जाते हैं, वीन्स के थ्रू बाहर जाते हैं, जो जहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी किया जाता है, जो पल्मोनरी आर्टरी से बाहर जाता है और लंग्स के थ्रू बाहर जाता है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया कैपिलरीज के बारे में, पहले हमने डिस्कस किया था आर्टरीज के बारे में, अब हम डिस्कस करेंगे वीन्स के बारे में। वीन्स क्या होती है, थिन वॉल्ड ब्लड सेल्स होती हैं, ये भी क्या करती हैं, ब्लड कैरी करती हैं फ्रॉम द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट, ये सभी पार्ट्स ऑफ द बॉडी से ब्लड कैरी करती हैं और वापस वो हार्ट तक पहुंचाती है। वीन्स डू नॉट नीड थिक वॉल्स, वीन्स को थिक वॉल्स की जरूरत नहीं होती क्योंकि इसका जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है उसको किसी हाई प्रेशर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब हार्ट से आप अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ब्लड पहुंचाते हैं तब वो हाई प्रेशर पे जाता है, लेकिन जब आप पार्ट्स ऑफ द बॉडी से हार्ट में आप ब्लड ट्रांसफर करते हैं वापस में तो उसके लिए हाई प्रेशर की जरूरत नहीं होती। वीन्स हैव वॉल्स इन दैम विच अलाउ द ब्लड इन दैम टू फ्लो इन ओनली इन वन डायरेक्शन, वीन्स की जो वॉल्स, वीन्स में क्या होती हैं, वॉल्स होती हैं वो अलाउ करती हैं कि जो ब्लड उसमें फ्लो हो रहा है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। वॉल्स जो होती हैं वो प्रिवेंट करती हैं कि जो ब्लड उसमें फ्लो हो रहा है, जो अदर ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी से हार्ट में वापस ब्लड जा रहा है वो वापस जो है बैक फ्लो ना हो जाए, वापस ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ना चला जाए। वीन्स आर ऑल्सो फाउंड इन द होल ओवर बॉडी, वीन्स भी जो है वो हमारी होल ऑफ द बॉडी में पाई जाती हैं। पल्मोनरी वीन इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट आर्ट्रियम ऑफ द हार्ट, और पल्मोनरी वीन जो है वो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है लंग्स से और वापस हार्ट में उसको पहुंचाती है। पल्मोनरी वीन इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट आर्ट्रियम ऑफ द हार्ट, अब यहाँ से क्या आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और पल्मोनरी वीन क्या कर रही है, ये लेफ्ट आर्ट्रियम के साथ कनेक्टेड है थ्रू द वॉल V1, और यहाँ से क्या कर रहा है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम द लंग्स बैक टू द हार्ट में पहुंचा रहे, लंग्स से हार्ट में पहुंचा रहे वापस, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। उसी तरह से एक हमारे पास होती है मेन वीन, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और ये राइट आर्टीएम के साथ कनेक्टेड है वॉल V2, और यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वे सब्सटेंस जो है वो वापस बाहर भेजता है।
उसके बाद द मेन वीन जो राइट आरटीएम के साथ कनेक्टेड है, मेन वीन क्या करती है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी लंग्स को छोड़ के, वो बैक टू द हार्ट वो उसमें पहुंचाती है। मेन डिफरेंस क्या होता है आर्टरीज और वीन्स के बीच, आर्टरीज ब्लड कैरी करती हैं फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी ऑर्गन्स, वेरियस जो वीन्स जो कैरी करती हैं ब्लड फ्रॉम द बॉडी बैक टू द हार्ट, उसको वापस हार्ट में पहुंचाती है। तो ये हमारे पास डिफरेंस था आर्टरीज वीन्स एंड कैपिलरीज में, इसको डिटेल में हमने डिस्कस किया। अब आगे हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। हमने अभी स्टडी किया है कि हार्ट क्या होता है, एक तरह का पंप होता है जो पंप करता है ब्लड को अराउंड अवर बॉडी कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, विदाउट स्टॉपिंग। तो हार्ट क्या कर रहा है, ब्लड को फ्लो कर रहा है हमारे बॉडी के हर पार्ट्स में बिना रुके। एक्चुअली हार्ट जो होता है वो सिंगल पंप नहीं होता, ये एक डबल पंप होता है, जो इसका लेफ्ट साइड ऑफ का हार्ट, जो हार्ट का लेफ्ट साइड होता है जिसमें लेफ्ट आरटीएम और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, वो एक्ट करते हैं एक पंप की तरह, और जो पंप करते हैं ब्लड को टू द होल बॉडी एक्सेप्ट द लंग्स, लंग्स को छोड़ के वो होल बॉडी में उसको पंप करते हैं ब्लड को। जो राइट साइड होता है हार्ट का, उसमें राइट आरटीएम होते हैं और राइट वेंट्रिकल होता है, ये एक्ट करते हैं अनदर पंप की तरह, जो पंप करते हैं ब्लड को ओनली टू द लंग्स। जो लेफ्ट साइड होता है हार्ट का, जिसमें लेफ्ट आरटीएम और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ये ब्लड को फ्लो करते हैं टू द होल पार्ट ऑफ द बॉडी लंग्स को छोड़ के। और जो राइट साइड होता है हार्ट का, राइट आरटीएम और राइट वेंट्रिकल, वो क्या करता है, वो पंप करता है ब्लड को ओनली टू द लंग्स, ठीक है। जो लेफ्ट साइड होता है हार्ट का, इट इज़ कम्प्लीटली सेपरेट फ्रॉम द राइट साइड। जो लेफ्ट साइड होता है हार्ट का और जो राइट साइड होता है हार्ट का, उसको सेपरेट, उसमें एक पार्टीशन होती है, उसको हम बोलते हैं सेप्टम। सो द टू पंप्स इन द हार्ट वर्क इंडिपेंडली, इसलिए जो सेप्टम की वजह से क्या होता है कि ये जो दोनों साइड्स होती हैं लेफ्ट साइड हार्ट की और राइट साइड, वो इंडिपेंडेंटली वर्क करती हैं, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहती। द सेपरेशन ऑफ लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट इज नेसेसरी, जो सेपरेशन है लेफ्ट साइड और हार्ट के राइट साइड की, वो बहुत ज़रूरी होती है ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स ना हो जाए, इसलिए जो है पार्टीशन बहुत ज़रूरी होती है। अब आपको सेप्टम का फंक्शन भी जो है पूछा जा सकता है। अब हमने डिस्क्राइब करना है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। वी शुड कीप द फॉलोइंग टू पॉइंट्स इन द माइंड, दो पॉइंट्स हमने बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। फर्स्ट, द ब्लड सर्कुलेट्स इन आवर बॉडी इन टू फॉर्म्स, जो ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है वो दो फॉर्म्स में हो रहा है, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो ब्लड ऑक्सीजन कैरी करता है, कैरिंग ऑक्सीजन, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वी गेट ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन टू द लंग्स, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स को पहुंचाते हैं, एंड द जड़ी जो फ्रेश ऑक्सीजन होती है एयर की, वो पासिस होती है इनटू द ब्लड। ब्लड हैविंग नो ऑक्सीजन, जिस ब्लड में ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होती उसको हम बोलते हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जिस ब्लड में ऑक्सीजन होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इन द लंग्स, वेयर द जो फ्रेश ऑक्सीजन होती है एयर की, वो पास होती है ब्लड में, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती वो होती है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है इज फॉर्म्ड इन द ऑल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ऑर्गन्स के सभी बॉडी में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट द लंग्स, लंग्स को छोड़ के। दिस इज बिकॉज जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास हो रहा है थ्रू द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी सेल्स, जो बॉडी के सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं और उसको डी ऑक्सीजनेटेड बनाते हैं। ये जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वेस्ट सब्सटेंस होता है, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट हमने ध्यान में क्या रखना है कि जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है हमारी बॉडी में, देन इट सप्लाइज ऑक्सीजन, पहले वो ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, फिर डाइजेस्टेड फूड, फिर अदर केमिकल्स टू द ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। जो ब्लड हमारी ट्यूब्स में से, आर्टरीज से सप्लाई होकर कैपिलरीज में जा रहा है, उसमें सबसे पहले ऑक्सीजन सप्लाई होगी, फिर डाइजेस्टेड फूड, फिर केमिकल्स होंगे, और उसी में क्या होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स कैरी होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एसेक्ट्रा फ्रॉम द बॉडी सेल्स। जो हमारी हार्ट बीट होती है वो नॉन स्टॉप होती है ऑल द टाइम। हार्ट बीट जो होती है वो क्यों होती है, ड्यू टू रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल्स विच मेक्स अप आर्टरिया एंड वेंट्रिकल्स। हमारी हार्ट बीट जो है उस क्यों होती है, वो लगातार नॉन स्टॉप क्यों होती है, क्योंकि उसमें कॉन्ट्रैक्शन भी होती है हार्ट में और रिलैक्सेशन भी आता है हमारे हार्ट मसल्स में, और ये होता किस वजह से, आर्टरी और वेंट्रिकल्स की तरफ है। दैट द टू आर्टरीज, दो आर्टरीज होती हैं, लेफ्ट आरटीएम एंड राइट आरटीएम, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक साथ। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे बाहर की तरफ जाते हैं और
और रिलैक्स भी एक साथ करते हैं। सिमिलरली जो दो वेंट्रिकल्स होती हैं वो भी एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, फिर वो भी एक साथ रिलैक्स करती हैं। अब हमने इसको डिटेल में पढ़ना है कि कैसे सर्कुलेशन होती है थ्रू द हार्ट बीट। हार्ट बीट सर्कुलेट्स द ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी, कैसे सर्कुलेट करता है ह्यूमन बॉडी में वो हम इस डायग्राम से समझेंगे। वेन द मसल्स ऑफ ऑल द फोर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर रिलैक्स्ड, जो हमारे मसल्स होते हैं फोर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट जब वो रिलैक्स कर जाते हैं तो जो पल्मोनरी वीन है वो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम द लंग्स इनटू द लेफ्ट आर्ट्रियम ऑफ द हार्ट में पहुंचाती है। अब आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि जो ये पल्मोनरी वीन है ये क्या कर रही है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। ये जो पल्मोनरी वीन है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है कहाँ से, लंग्स से, और कहाँ पे पहुंचा रही है इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, लेफ्ट आर्ट्रियम में। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप है। वेन द लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, जब लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है बाहर की तरफ जाता है, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पुश होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में थ्रू द वॉल्व V1। ये जो इसने जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसको पहुंचाया है ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, बाहर की तरफ जाएगा और इसको पुश करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज देगा थ्रू द वॉल्व V1। फिर ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगी बाहर की तरफ जाएगी तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जाएगा, फोर्स्ड करेगा टू द मेन आर्टरी में। जब ये मेन आर्टरी में जाएगा तो मेन आर्टरी में क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये बॉडी के हर पार्ट्स तक पहुंचा देगा एक्सेप्ट द लंग्स, लंग्स को छोड़ के। फिर उसके बाद जो बॉडी ऑर्गन्स में जो कैपिलरीज में जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होगा, क्योंकि जो कैपिलरीज होती हैं वो क्या होता है उसमें सेल्स होते हैं, वो सारे डिसॉल्व सब्सटेंसेस कैरी कर लेगा। पहले ऑक्सीजन कैरी करेगा, फिर वो डिसॉल्व सब्सटेंस, फिर केमिकल्स, और उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनेंगे जो जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो मेन वीन के थ्रू होते हुए राइट आरटीएम में जाएगा। फिर राइट आरटीएम क्या करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, फिर वो पुश करेगा उसको कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में जाए। फिर राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगी, फिर वो उसको वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स तक पहुंचा देगा। तो ये सारी जो है हमारे पास वर्किंग है, जो हमने ह्यूमन सर्कुलेटरी डायग्राम की थी जो मेन ये जो हार्ट की थी, उसको आपने अगर वर्किंग समझनी है तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। तो इसकी जो वर्किंग है वो इसी में है। तो ये हमारे पास होता है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, कैसे हमने इसकी वर्किंग जो है एक्सप्लेन किया, कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से जाता है और कैसे डीऑक्सीजन ब्लड जो है मेन वीन से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में वापस जाता है। और ये फोर पॉइंट है, मेन आर्टरीज जो है वो क्या करती है, कैरी करती है ब्लड को ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, लाइक जैसे हेड, चेस्ट, आर्म, स्टमक, उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पास करती है थ्रू द कैपिलरीज, फिर वो ऑक्सीजन को कैरी करती है। जो ब्लड ऑक्सीजन लूज कर जाती है उसमें क्या होता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और उसमें डाइजेस्टेड फूड, अदर डिजोल्व सब्सटेंसेज, जो बॉडी सेल्स हैं वो डिजोल्व कर लेते हैं, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो रेस्पिरेशन के थ्रू ब्लड में एंटर हो जाता है। ये जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एंटर होता है मेन वीन से, जिनको वीन कैवा बोलते हैं। फिर राइट आरटीएम कॉन्ट्रैक्ट होती है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में पुश होता है थ्रू वॉल V2, और जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होती है वही डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में वापस चला जाता है। तो ये हमारे पास टॉपिक था ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम।